नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के YouTube चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। तीन राज्यों के नतीजे, हिंदी जिसे हम काउ बेल्ट कहते हैं, हिंदी भाषिक राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, एक जगह साय साहब, एक जगह यादव साहब, एक जगह शर्मा साहब, तीनों नए नाम, तीनों बाशिंदे दिल्ली के। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन छत्तीसगढ़ में तो हो गया, बहुत सारे नए लोग, एक दो पुराने। मध्य प्रदेश में ऐसी ही कुछ अपेक्षा थी और हुआ वही। आज मध्य प्रदेश में योगी मोदी की छाप वाला मंत्रिमंडल ने शपथ ली। मध्य प्रदेश के कोटे में कुल 35 मंत्री बन सकते हैं। दो उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री ने पहले ही शपथ ली। 28 लोगों ने आज, कुल मिला के 31 मंत्री हो गए। अभी 4 पद खाली हैं। देखते हैं इन 4 पदों में किसकी लॉटरी लगती है। लेकिन इन 28 मंत्रियों में 17 नए चेहरे हैं। ये बहुत बड़ी बात। 5 महिला मंत्री बनी हैं। शायद भले ही बूथ लेवल पे संगठन की ताकत हो या इलेक्शन मैनेजमेंट हो, इसको क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन निस्संदेह शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना ने इस सरकार को फिर से सत्ता में स्थापित किया। ये बात आला कमान भी जानते हैं, ये बात दिल्ली भी जानती है। इसके लिए 3 महिलाओं को मंत्रिमंडल में स्थान मिला। कृष्णा गौर, राधा सिंह, प्रतिमा बारगी, उईके और निर्मला भुरिया। इसमें उईके मैडम और निर्मला भुरिया जी कैबिनेट मंत्री है, कृष्णा गौर जी ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है, और राधा सिंह और प्रतिमा बारगी ये दोनों राज्य मंत्री है। पूरे मंत्रिमंडल का यदि मैं जातीय समीकरण देखूं तो 7 मंत्री सामान्य कैटेगरी से आते हैं, 12 ओबीसी के है। देखिए, बीजेपी हमेशा कहती है कि ओबीसी मुझे साथ देती है। 5 शेड्यूल ट्राइब के हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्राइबल मतदाता भी बहुत ज्यादा है, और 4 शेड्यूल कास्ट से है। कुल मिलाकर यदि मैं रीजन वाइज बैलेंस देखूं तो मालवा, निमाड़ और ग्वालियर, चंबल को भरभरा के मिला है विंध्या महाकौशल के अनुपात में। फिर मालवा निमाड़ ने विजय भी वैसे ही दिलवाई है, ग्वालियर चंबल सब भाग में भी ऐसा ही हुआ है। जो पुराने मंत्री थे, मंत्रिमंडल था शिवराज का, उसमें 16 मंत्री चुनाव जीते। उस 16 में से 10 को घर का रास्ता दिखाया गया, 6 लोगों को फिर से मंत्रिमंडल में स्थान मिला। उन 6 में 4 मंत्री तो सिंधिया गुट के हैं, मतलब 2 ही शिवराज के गुट के नहीं कह सकते, लेकिन 2 नॉन सिंधिया है, यानी बीजेपी के। कई लोग थे जिनका नाम था, 7 सांसदों को चुनाव में उतारा था, 7 में से 2 सांसद चुनाव हार गए, 4 को मंत्री बनाया, 1 रीता पाठक उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि उसी संभाग से उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, मुझे लगता है ब्राह्मणों को ठीक ठाक तवज्जो मिली है। दूसरी तरफ
जो कैबिनेट मंत्री थे तोमर साहब, उन्हें स्पीकर पद दे दिया है। प्रहलाद पटेल भी मंत्री बने हैं। जो नाम बड़े थे, चर्चा में थे, अजय वैष्णव, जयंत मलैया, सुरेंद्र पटवा, शैलेंद्र जैन, उषा ठाकुर, इनको ड्रॉप किया गया। कई बार ऐसा लगता है कि वर्तमान हाईकमान, जो बीजेपी का जो ज्यादा बड़बोलापन करता है, उसे घर बिठाता है। मुझे याद है कि बड़े दिग्गज गोपाल भार्गव ये कह रहे थे अपने आम सभाओं में कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, मेरे गुरु ने, आध्यात्मिक गुरु ने कहा कि चुनाव लड़ो, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। बेचारे मुख्यमंत्री के लाइन में लगे हुए थे, मंत्री भी नहीं बन पाए। विश्वास सारंग, उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी, कहा जाता है कि ये नजदीकी है शिवराज के, लेकिन वर्तमान में तो लगता है कि ये सब दिल्ली की पसंद है। बीजेपी के 163 विधायक जीत के आए, उनमें से 35 निकालना बहुत टेढ़ी खीर थी। बहुत सारे बड़े नाम थे, कैलाश विजयवर्गीय करीब करीब 8 साल के बाद मंत्री बने हैं। इसके पहले मंत्री थे, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, और उनके तो एमएलएशिप भी चली गई, कहीं राज्यसभा का जुगाड़ नहीं लगा। लेकिन इस चुनाव जीतने से कम फिर से वो मंत्रिमंडल में वापस आ गए हैं। जो बड़े नाम है मंत्रिमंडल में, जो पुराने कैलाश विजयवर्गीय बड़ा नाम, प्रहलाद पटेल केंद्र में मंत्री थे वो बड़ा नाम, विजय शाह ये 8 बार लगातार चुनाव जीते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। हाल ही में जब चुनाव जीत गए और ये मंत्रिमंडल के गठन के बीच में जंगल में खाना बनाने का एक वीडियो आया, राकेश सिंह जबलपुर के, इनको भी मंत्री बनाया गया है। इंदौर शहर से कईयों को लाइन में थे, महेंद्र सिंह घाड़िया पहले मंत्री थे, उषा ठाकुर पहले मंत्री थी, मालिनी गौड़ बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, महापौर रह चुकी थी, रमेश मेंदोला भी, प्रदेश में ही नहीं चारों तीनों राज्यों में, चारों राज्यों में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले विधायक साबित हुए। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा मिले। लेकिन रमेश मेंदोला का ये दुर्भाग्य समझिए कि उनकी उनका नाम हमेशा कैलाश जी के साथ जुड़ता है। यदि कैलाश जी मंत्री बनेंगे तो फिर दो मंत्री एक जगह से नहीं हो सकते, यानी दो दोस्त नहीं हो सकते। कैलाश नहीं होते तो शायद रमेश मेंदोला का नाम आगे करते, लेकिन उनको भी वहां नहीं मिला। सिंधिया कोटे से प्रभुराम चौधरी चुनाव जरूर जीते, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। हाँ, तुलसीराम सिलावट भी है सिंधिया कोटे से। सिंधिया कोटे से जो मैंने कहा कि जो मंत्री रहे हैं, उसमें गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, प्रद्युम्न तोमर, इंदल सिंह कसाना, ये लोग सिंधिया कोटे के हैं। जो कांग्रेस छोड़ के आए थे सिंधिया जी के साथ, उनमें से जो लोग चुनाव हारे थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे के विभिन्न कारपोरेशन में चेयरमैन बनाया था। हालांकि अभी चेयरमैन बर्खास्त नहीं हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि सिंधिया कम से कम मंत्रिमंडल में 15% शेयर तो सिंधिया जी के ने अपने नाम पे करवा लिया है, बाकी जगह वो अपने लोगों के लिए कर पाते या नहीं कर पाते। कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि ये मंत्रिमंडल जो बना है, ये पूर्ण रूप से दिल्ली ने, यानी अमित शाह और मोदी ने मिलकर बनाया। इसमें अमित शाह का मुझे लगता है वर्चस्व ज्यादा दिखाई देता है, यदि और माइक्रो लेवल पे जाके बात करें तो। नए लोग जो मंत्री बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, 5 महिलाओं को दिया है प्रतिनिधित्व दिया है, तो वो भी एक कोटा पूरा किया गया है। अब बंटवारा कैसा होता है विभागों का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्बन डेवलपमेंट जैसा, पीडब्ल्यूडी जैसा, हेल्थ, ऊर्जा, ये बड़े मलाईदार डिपार्टमेंट है, गृह, वित्त, ये किसको मिलता है, इस पे होता है। लेकिन एक बात तय है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे विजय शाह हो, या मुख्यमंत्री यादव जी हो, सरकार तो अब पूर्ण रूप से दिल्ली से चलेगी। क्योंकि जिस हिसाब से बड़े दिग्गजों को ठिकाने लगाया है, जीते हुए बड़े कैबिनेट मंत्री को, जिन्होंने सालों तक बीजेपी में रह के मंत्री पद भोगा है, उन्हें घर बिठाया,
लेकिन वो लोग फिर जमीन से जुड़े हुए लोग भी हैं, जमीनी ताकत भी उन लोगों के पास है। कई लोग लहर में चुनाव जीतते हैं, कई लोग लगातार चुनाव जीत कर ये बताते हैं कि लहर हो ना हो वो अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या ये लोग जिनको किनारे लगाया है एक किनारे बैठ के तकलीफ देंगे या किनारे बैठ के डिसिप्लिन में होकर काम करेंगे? क्योंकि गुजरात में तो ये एक्सपेरिमेंट बाकायदा कई बार सफल हुआ है। जब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया तो वहाँ आवाज़ भी नहीं हुई और वहाँ आवाज़ कोई करता भी नहीं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का वो गृह राज्य है। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लोकसभा में वैसा ही फल देगा जैसा गुजरात में दिया, या फिर शिवराज, शिवराज के लोग, ये 10 लोग बड़े कद्दावर नेता जिनका वजूद है वो घर बैठे हैं, वो घर बैठ कर ताली बजाएंगे या फिर लोकसभा में खलल पैदा करेंगे? वसुंधरा के लोगों को कितना एडजस्ट किया जाता है? वसुंधरा के पास काफ़ी तादाद है और वसुंधरा के साथ समझाने में और लड़ने में काफ़ी समय भी बर्बाद हो गया आलाकमान का। ऐसे में वसुंधरा कितना उसको झेल पाती है, वसुंधरा लोकसभा में क्या करती है, ये देखने की बात है। छत्तीसगढ़ में भी वो विद्रोह वाली स्थिति नहीं है क्योंकि कोई ताकतवर नेता छत्तीसगढ़ में बचा ही नहीं था। जो विद्रोह करने की ताकत रखता था वो स्पीकर बन के बैठ गए हैं। बाकी जो बड़े नेता थे जिनका कद था, जो विपक्ष की सुनामी में भी अपनी ताकत के साथ चुनाव जीत के आते थे, जैसे बृजमोहन अग्रवाल को तो मंत्री बना दिया, बाकी काफी नए लोगों को भी वहाँ, फर्स्ट टाइमर को भी वहाँ मंत्री बना दिया। लेकिन वो मंत्रालय फिर जैसे कि तीनों मंत्री हर दूसरे दिन दिल्ली में पाए जाते हैं, हर चीज़ के लिए दिल्ली पूछते हैं। अभी उसके बाद अधिकारियों का प्लेसमेंट होगा, जब अधिकारियों का प्लेसमेंट होगा तो इस बात पे बिल्कुल मुहर लग जाएगी कि फिर ये सरकार ये तीनों राज्यों की दिल्ली से चल रही है, जैसी महाराष्ट्र की, जैसी गुजरात की, जैसी उत्तराखंड की सरकारें दिल्ली से ही चल रही हैं। दो जरूर इसमें अपवाद है, उत्तर प्रदेश और आसाम। आसाम इसलिए कि वो मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से अपने आप में भी इतने सक्षम है कि वो सरकार कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे आलाकमान नाराज हो बीजेपी का, लेकिन साथ में वो अपनी मनमर्जी भी कर रहते नहीं। और योगी आदित्यनाथ को लेके तो ये दोनों मोदी जी और अमित शाह जी लगातार वहाँ शहमात का खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये हम रोज सुनते हैं, विश्लेषित करते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मोहर लगाई कि ये मंत्रिमंडल यादव का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, जो मंत्रिमंडल बना है ये बना है योगी मोदी का। ये कैसा परफॉर्म करता है, ये कितना डिलीवर कर सकता है, अधिकारी इनका सुनते हैं या फिर दिल्ली में जैसी स्थिति है कि अधिकारी कैबिनेट मंत्री को भी आके दिखाते हैं, वो स्थिति बनती है तो समय बताएगा। और उसके नतीजे क्या आएंगे, ये लोकसभा के चुनाव के नतीजे इसको रेखांकित करें। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम का यूट्यूब चैनल।